हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, आई एम रफीक हियर एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वाला। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैसिव वॉइस के बारे में। यू नो पैसिव वॉइस कितना इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए। फ्रेंड्स, अब तक हम लोग ना एक्टिव से पैसिव चेंज करते आए हैं, जैसे कि 10th क्लासेस में पढ़ा था, 12th क्लासेस में पढ़ा था कि एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करना है, ठीक है। लेकिन उसका ना अब कई बार हम लोग ऐसा फील करते हैं या रियलाइज करते हैं कि यार एक्टिव से पैसिव चेंज करना तो सिर्फ ग्रामर की बातें हैं और स्पोकन इंग्लिश की क्या जरूरत है। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं ना, तो पैसिव वॉइस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, ज्यादातर हेडलाइंस या पैसिव वॉइस में रहते हैं। जैसे पैसिव वॉइस में, क्योंकि आप वहां पे ना इनडायरेक्टली बात करते हैं, हम सब्जेक्ट को मेंशन करके नहीं बात करते, ऑब्जेक्ट को, जिस काम जो वर्ब या एक्शन का ऑब्जर्वर है, कह सकते हैं रिसीवर है, उसी की बात करते हैं। हम सब्जेक्ट कौन करता है, नहीं क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, वो चीजें हम लोग बात करते हैं, तो उसे हम लोग किसमें लेते हैं, पैसिव वॉइस में लेते हैं सेंटेंसेस को। और अगर हमें पैसिव वॉइस नहीं आता ना फ्रेंड्स, तो कई बार सेंटेंस बहुत गलत हो जाते हैं, मीनिंग बिल्कुल बदल जाती है। जैसे कि सेंटेंस बोलना है कि मैं सर को पढ़ाता हूँ और मुझे सर के द्वारा पढ़ाया जाता है, या मुझे पढ़ाया जाता है, तो कितना फर्क है। मैं सर को पढ़ाता हूँ और मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे सर के द्वारा या सर के जरिए पढ़ाया जाता है, तो दोनों में काफी डिफरेंसेस हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस में 3 गोल्डन रूल्स को सीखकर और पैसिव वॉइस को बहुत इजी बना देंगे। तो और चलते हैं, है जो गोल्डन रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस का, वो है ऑब्जेक्ट। मतलब एक्टिव वॉइस में हम बात कर रहे थे तो सब्जेक्ट पहले आ रहा था, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। जितने भी पैसिव वॉइस है ना, सभी में हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है। एक्टिव वॉइस कर रहे थे जैसे सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल पास्ट टेंस था, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वहां पे पॉजिटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है। एंड तीसरा और सबसे बड़ा रूल और सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है, वर्ब की फॉर्म्स। सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज होगी, थर्ड फॉर्म, एग्जैक्टली। चाहे जितने भी पैसिव वॉइस करें, अब तक के लिए देखें, हम लोग एक्टिव वॉइस हम लोगों के लिए बड़ा आसान लगता था, पैसिव वॉइस बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन आज आप सीखने के बाद ना आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, पैसिव वॉइस सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि सभी पैसिव वॉइस में, चाहे हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, पास्ट टेंस की बात करें, फ्यूचर टेंस की बात करें, सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है, थर्ड फॉर्म, एग्जैक्टली। सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो बिल्कुल हुआ ना आसान, एकदम आसान हुआ, क्योंकि जितने भी पैसिव वॉइस है सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार थोड़ा ध्यान दे देंगे शुरू में, तो सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है। ये हुए 3 आपके गोल्डन रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपको याद रखना है। अगर ये याद रखेंगे तो प्रेजेंट का पैसिव, पास्ट का पैसिव, फ्यूचर का पैसिव बिल्कुल आसान होगा आपके लिए और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, चाहे वो रिटन इंग्लिश की बात करें, चाहे हम लोग स्पोकन इंग्लिश की बात करें। मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया कि आज हम लोग पैसिव वॉइस जो सीख रहे हैं स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं। स्पोकन में क्या जरूरत है, सेंटेंस बनाने में क्या जरूरत है, हिंदी से सोचकर जब हम इंग्लिश बोलते हैं तब क्या जरूरत है पैसिव वॉइस की, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करते हैं, बदलते हैं, वो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियोज में अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो हमारे क्लासेस के लिए हेल्प करेगी। जैसे 12th क्लास के लोग, जो स्टूडेंट्स 12th क्लास के हैं, उन्हें एग्जाम्स वगैरह में जरूरत पड़ती है, 10th क्लासेस के स्टूडेंट्स को जरूरत पड़ती है, तो वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से, ठीक है। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहला टेंस क्या है, सिंपल। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप देखें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूं मैं, सब्जेक्ट, V1, V5 और ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की फॉर्म्स यूज करनी थी एंड ऑब्जेक्ट यूज करना था, ये था आपका एक्टिव वॉइस। हम लोग बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ऑब्जेक्ट पहले आएगा। देखें फर्स्ट रूल, तो ऑब्जेक्ट लास्ट में ही, यहाँ पे हम लोग को ऑब्जेक्ट पहले कर देना है, ठीक है। दूसरा और इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अभी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसमें पॉजिटिव सेंटेंस में, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे वहां पे हेल्पिंग वर्ब है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करूं मैं, तो सब्जेक्ट के बाद क्या है, इज एम आर है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं तो वहां पे हैज हैव है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा वही हेल्पिंग वर्ब हम पैसिव वॉइस में भी रखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ग्रामर के हिसाब से यहाँ पे हमें क्या रखना है, इज एम आर। और सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की जो फॉर्म्स पढ़ेगी जरूरत, वो है थर्ड फॉर्म। ये जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी पैसिव वॉइस में, ठीक है। एक्टिव वॉइस में कौन सी वर्ब की फॉर्म्स है, उससे हमें यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या ध्यान देना है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी जरूरत है, थर्ड फॉर्म की। जितने भी पैसिव वॉइस हैं, आपको मैंने पहले भी कहा, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूरत पड़ेगी। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को इधर और सब्जेक्ट को इधर, ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले आ गया और सब्जेक्ट बाद में आ गया। अगर सब्जेक्ट को इधर लाते हैं तो बाई ऐड करना पड़ता है और सब्जेक्ट।
ये भी आपको ना बाय या सब्जेक्ट की भी जरूरत जब पड़ेगी, जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो हमें वहां पे जरूरत पड़ेगी। अभी फिलहाल देखते हैं यहाँ पे पहचान क्या आती है हिंदी की, आइडेंटिफिकेशन, कोई भी कुछ करता हूं। अब सेंटेंस फ्रेंड्स, दो तीन सेंटेंस हम लोग हिंदी लेते हैं। सबसे बोली जाती है, तो ऐसे सेंटेंसेस और भी कुछ सेंटेंस डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ऐसे सेंटेंसेस हैं जैसे कि आपने कहा काम किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए काम किया जाता है, इंग्लिश क्या हो रही है, काम किया जाता है, तो यहाँ पे फोकस सब्जेक्ट पे नहीं दे रहे हम लोग, या फिर आप कहें कि हम सब्जेक्ट को यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे किसको मेंशन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को। काम किया जाता है, काम पे फोकस कर रहे हैं हम लोग, काम को यहाँ पे मेन दिखाना चाह रहे हैं कि भाई क्या कहता है, काम किया जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस आपको किसमें जरूरत पड़ेगी बनाने की, पैसिव वॉइस में। काम किया जाता है, अब कौन काम करता है ये सब्जेक्ट का पता नहीं है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है आप एक्टिव में नहीं बना सकते, क्योंकि एक्टिव में हमें क्या चाहिए, एक्टिव में पहले सब्जेक्ट चाहिए। अगर सब्जेक्ट है तो सेंटेंस इसलिए बन जाएंगे। यहाँ पे काम किया जाता है, कौन काम करता है सब्जेक्ट का पता नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, पैसिव वॉइस की। क्या किया जाता है, काम किया जाता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, काम। तो काम की इंग्लिश क्या बोलेंगे, द वर्क, द वर्क। अब वर्क के हिसाब से क्या यूज करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब इज, द वर्क इज। वर्क कौन है, थर्ड फॉर्म, किया जाता है कुछ भी काम करना। डू की थर्ड फॉर्म क्या यूज करेंगे, डन, द वर्क इज डन, काम किया जाता है। वन आसान नेक्स्ट सेंटेंस है, खाना बनाया जाता है, कौन बनाता है इस चीज को हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, या हमें नहीं पता समझ लो। अभी क्या है, खाना बनाया जाता है, जो काम है किया जा रहा है उसके बारे में पता चल रहा है हमें, कौन कर रहा है ये पता नहीं है। काम किया जाता है, अब देखिए हिंदी की लास्ट पहचान भी ना करता है, जाता है, ता है, ती है, या हिंदी की जो एक्टिव पहचान रहेगी वही पैसिव। थोड़ा आप एक्सप्लेन करके लिखना चाहें तो कुछ भी किया जाता है, कुछ भी काम वगैरह कुछ भी ऐसा किया जाता है, ठीक है, कुछ भी काम वगैरह ऐसा किया जाता है। तो आपने कहा खाना बनाया जाता है, अब कौन बनाता है नहीं पता, हाँ ऑब्जेक्ट पता है खाना बनाया जाता है, तो खाना की इंग्लिश क्या बोलेंगे, द फूड। अब यहां पे हेल्पिंग ऑफ क्या यूज होगी, इज, द फूड इज। वर्क कौन है इसमें, बनाना, ठीक है, खाना बनाने के लिए इंग्लिश क्या बोलेंगे, कुक। कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक्ड, द फूड इज कुक्ड, खाना बनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, अब क्या कहा जाता है ये भी नहीं पता, कौन कहता है सब्जेक्ट का तो पता है नहीं, लेकिन क्या कहा जाता है ये भी नहीं पता है। तो हम यहाँ पे अगर लेकिन ये सेंटेंस से पता चला ऐसा कहा जाता है सेंटेंस क्या, पैसिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो इसके लिए हम लोग इंग्लिश क्या बोलेंगे, इट। इट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कहा जाता है इट, और इट के बाद क्या यूज करेंगे, इज, इट इज। और वर्ब कौन है इसमें, कहा जाता है कहना, तो से की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेड, इट इज सेड। ऐसा के लिए इंग्लिश हम लोग बाद में ऐड कर देंगे, इट इज सेड सो, ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड सो, ऐसा कहा जाता है। बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, कौन भेजता है, पेरेंट्स भेजते हैं, या उनके ब्रदर्स सिस्टर्स कौन भेजते हैं, ये सब्जेक्ट का मेंशन यहाँ पे सब्जेक्ट को नहीं किया जा रहा है, बस यहाँ सेंटेंस क्या है, बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, तो बच्चों को फोकस, यहाँ बच्चों की बात हो रही है, जिनके बारे में बात हो रही है भाई, तो बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, तो बच्चे यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, तो क्या बोलेंगे, चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन एक से ज्यादा हैं, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आगे क्या ऐड करेंगे, आर, चिल्ड्रेन आर। अब वर्ब चाहिए हमें, वर्ब कौन इसमें, भेजना, तो भेजना सेंड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेंड, चिल्ड्रेन आर सेंट। अब कहाँ भेजा जाता है, स्कूल, तो चिल्ड्रेन आर सेंट टू स्कूल, बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, चिल्ड्रेन आर सेंट टू स्कूल। हमें पढ़ाया जाता है, अब कौन पढ़ाता है नहीं पता हमें, हमें पढ़ाया जाता है। अगर आप इसकी सेंटेंस, इसकी इंग्लिश आप फ्रेंड ना, अगर आप ये बोल दे हमें पढ़ाया जाता है, वी टीच, तो मतलब हो जाएगा हम पढ़ाते हैं, मतलब हम सब्जेक्ट है यहाँ पे, लेकिन सब्जेक्ट नहीं, हमें पढ़ाया जाता है, सेंटेंस में ये मतलब हमें पढ़ाया जाता है, मतलब किसी के द्वारा, किसी के जरिए। अब जो पढ़ाने वाले हैं उनका यहाँ पे पता नहीं है, या फिर हम दिखाना नहीं चाह रहे हैं, सिर्फ सेंटेंस किस पे फोकस कर रहे हैं, हमें पढ़ाया जाता है, हमें मतलब किसको पढ़ाया जा रहा है, हमें पढ़ाया जा रहा है, हम ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो हम की इंग्लिश यहाँ पे क्या बोलेंगे, वी। अब वी के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग ऑफ आर, वी आर। अब वर्ब कौन चाहिए हमें, क्या है, पढ़ाया जाता है, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट, वी आर टॉट, हमें पढ़ाया जाता है। आपने कहा हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है, वी आर टॉट इंग्लिश, हमें हिंदी पढ़ाई जाती है, वी आर टॉट हिंदी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यहाँ हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है, नेगेटिव अगर कर देना है तो इस एम आर के बाद आप नॉट ऐड कर देंगे, यहाँ हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, क्या नहीं पढ़ाई जाती, हिंदी, हिंदी ऑब्जेक्ट है, तो हिंदी इज और नॉट ऐड कर देंगे यहाँ पे, हेल्पिंग ऑफ के बाद ही नॉट लगाना है, आपको पता है हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, हिंदी इज नॉट। अब पढ़ाना, टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट, हिंदी इज नॉट टॉट हियर, यहाँ हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, क्या पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो आप क्या बोलेंगे, इंग्लिश इज टॉट हियर, यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अंग्रेजी हर जगह बोली जाती है, पता आपको अंग्रेजी हर जगह बोली जाती है,
तो आप यहां पे इंग्लिश क्या हो जाएगी, अंग्रेजी हर जगह बोली जाती है, तो इंग्लिश और इंग्लिश के साथ क्या ऐड करेंगे, इज, इंग्लिश इज, और वर्ब कौन है इसमें, बोली जाती है, तो स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन हर जगह, तो इसकी इंग्लिश आगे क्या बोलेंगे, एवरीवेयर, इंग्लिश इज स्पोकन एवरीवेयर, इंग्लिश हर जगह बोली जाती है। आपने कहा कि हिंदी इंडिया में हर जगह बोली जाती है, तो आप इंग्लिश क्या बोलेंगे, हिंदी इज स्पोकन एवरीवेयर इन इंडिया, हिंदी इज स्पोकन एवरीवेयर इन इंडिया, हिंदी इज स्पोकन एवरीवेयर इन इंडिया। आपने कहा नहीं सर हिंदी हर जगह नहीं बोली जाती है, तो आप इंग्लिश क्या बोलेंगे, हिंदी इज नॉट स्पोकन एवरीवेयर। मैंने कहा क्या हिंदी हर जगह बोली जाती है, या किसी थर्ड पर्सन ने कहा क्या हिंदी हर जगह बोली जाती है। अब क्या हिंदी हर जगह बोली जाती है, किसकी बात हो रही है, हिंदी की है, सेंटेंस क्या, पैसिव वॉइस, किसकी बात हो रही है, हिंदी की बात हो रही है, राइट। तो यहां पे हमें क्या करना है, हेल्पिंग ऑफ को पहले कर देना, क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या हिंदी हर जगह बोली जाती है, तो हिंदी के साथ हेल्पिंग ऑफ क्या होना चाहिए था, इस को पहले कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इज हिंदी स्पोकन एवरीवेयर, क्या इंग्लिश हर जगह बोली जाती है, तो आप क्या बोलेंगे, इज इंग्लिश स्पोकन एवरीवेयर, तो आपने कहा यस इंग्लिश स्पोकन एवरीवेयर, इंग्लिश हर जगह बोली जाती है, फोन का इस्तेमाल हर जगह किया जाता है, तो क्या बोलेंगे, फोन इज यूज्ड एवरीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, फोन यहां बेचा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, मोबाइल फोन इज सोल्ड हियर, मोबाइल फोन यहां नहीं बेचा जाता है, तो मोबाइल फोन इज नॉट सोल्ड हियर, क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, ये सारे सेंटेंसेस क्या है, पैसिव वॉइस में। अब चलिए एक दो सेंटेंस है, क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो आप ये स्पोकन है, क्योंकि इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाई। अब क्यों कहा जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमें क्यों की बात का यूज कर देना, इज। अब वाई इज इट, वाई इज इट सेड, क्यों कहा जाता है, सेंटेंस कब कहा जाता है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हेन इज इट सेड। यहां पे देखिए मैं क्या कर रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहां पे क्यों कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये भी नहीं पता, लेकिन सेंटेंस से पता चल रहा कि क्या है, ये पैसिव वॉइस है, तो इंग्लिश क्या होगी, क्यों कहा जाता है, तो क्यों की इंग्लिश पहले मैंने वाई ऐड किया, अब हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इस एमआर को पहले किया। अब यहां पे हमें ऑब्जेक्ट नहीं पता, तो इट हमने ऐड किया है, इट लिया है ऑब्जेक्ट, तो इट के साथ क्या होगा, इज होगा, तो इसको पहले कर दिया, वाई इज इट, और वर्ब क्या हो गया, थर्ड फॉर्म कहा जाता है, तो वाई इज इट सेड, कब कहा जाता है, व्हेन इज इट सेड, क्यों कहा जाता है, तो व्हाई इज इट सेड, कब बोला जाता है, व्हेन इज इट स्पोकन, कहां बोला जाता है, अब कहां की इंग्लिश क्या होगी, वेयर, वेयर इज इट स्पोकन, कहां बोला जाता है। अब जैसे आपने कहा कि सर इंग्लिश कहां बोली जाती है, तो आपको क्या करना, वेयर पहले ऐड करना है, वेयर इज, अब किसकी बात हो रही है, इंग्लिश की, वेयर इज इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश कहां बोली जाती है, तो आपने कहा कि इंग्लिश हर जगह बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन एवरीवेयर, क्रिकेट हर जगह खेला जाता है, क्रिकेट इज प्लेड एवरीवेयर, जीतने वाले को इनाम दिया जाता है, तो आप इंग्लिश क्या बोलेंगे, विनर्स आर अवार्डेड। अब कौन इनाम देता है नहीं पता, देखें फिर से आप लोग कि जहां पे सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता हो रहा है, सब्जेक्ट पे फोकस किया जा रहा है, सब्जेक्ट काम करने वाले को, सब्जेक्ट को, जैसे आपने कहा मैं पढ़ाता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं इंग्लिश बोलता हूं, तो फिर आपको एक्टिव वॉइस में, मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, मैं आपको पढ़ाता हूं, आई टीच यू। लेकिन मैंने कहा यहां बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, यहां बड़ों को पढ़ाया जाता, किसकी बात हो रही है, बच्चों की, बड़ों की, तो ये सेंटेंस आपको पैसिव में करना पड़ेगा। आपने कहा यहां बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, तो चिल्ड्रन आर नॉट टॉट हियर। किसी ने कहा यहां एकेडमिक क्लासेस नहीं दी जाती हैं, यहां एकेडमिक क्लासेस नहीं दी जाती हैं, तो क्या नहीं दी जाती, एकेडमिक क्लासेस, कौन देता है, सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा, तो आपको इंग्लिश यही बनानी पड़ेगी, एकेडमिक क्लासेस यहां नहीं दी जाती है, तो क्या बोलेंगे, एकेडमिक क्लासेस आर नॉट गिवन हियर, आर नॉट प्रोवाइड हियर, एकेडमिक क्लासेस यहां दी जाती हैं, तो फिर आप बोल सकते हैं एकेडमिक क्लासेस। आपने कहा यहां लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, तो आप क्या बोलेंगे, लैंग्वेज इज टॉट हियर, इंग्लिश लैंग्वेज इज टॉट हियर, यहां पे इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, हिंदी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो भी किसी के द्वारा किया जा रहा है, अब वो कौन करने वाला है, सब्जेक्ट को हम मेंशन यहां पे नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप देखें कि 22 सब्जेक्ट को मैंने सर्किल में कर दिया, हटा दिया। इसकी जरूरत कब पड़ेगी, जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं, वो चीज मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, वो हम लोग अलग से एक वीडियो में करेंगे डिस्कस, जो कि हमारे लिए 10th 12th वगैरह के लिए हेल्पफुल होगा, रिटन और ग्रामर इंग्लिश में, ठीक है। यहां पे हम लोग स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि कुछ भी ऐसा किया जाता है, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो पहले हमारे सेंटेंस दिमाग में हिंदी आती है, जैसे आपने कहा कहा जाता है, अब इसकी इंग्लिश ढूंढते रहते हैं, कौन कहता है ये नहीं पता, तो कहा जाता है, तो इसकी इंग्लिश आपको कहा, इट इज सेड, बोला जाता है हर जगह, इट इज स्पोकन, ऐसा बोला जाता है यार, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज स्पोकन सो, ठीक है। घर साफ किया जाता है, तो क्या बोलेंगे, द हाउस इज क्लीन्ड। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पे सब्जेक्ट को हम फोकस ना करके ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कुछ सेंटेंसेस हिंदी में ले लें और उसे इंग्लिश में जरूर ट्रांसलेट करें, जो आपकी डेली लाइफ में बोली जाती है। जैसे आपने कहा कि घर साफ किया जाता है, पोछा लगाया जाता है, कपड़े धोए जाते हैं, ठीक है। आपने कहा कि यार बड़ों की इज्जत दी जाती है, बड़ों की इज्जत की जाती है, छोटों को प्यार किया जाता है,
ठीक है, सभी चीजों को आपने कहा यार सारी चीजें प्यार से डील की जाती है, बच्चों को प्यार से डील किया जाता है, ठीक है, बच्चों पे जोर जबरदस्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे सेंटेंस सारे क्या है पैसिव वॉइस में है। जैसे आपने कहा कि ऑफकोर्स सपना देखा जाता है, ख्वाब देखा जाता है, ठीक है, मैं ख्वाब देखता हूं तो ठीक है, इट्स ऑल राइट, ठीक है। जैसे आपने कहा कि कपड़े पहने जाते हैं, चश्मा पहना जाता है, ये सारे सेंटेंस क्या है पैसिव वॉइस में। जैसे आपने कहा कि नौकर को अच्छे से डील किया जाता है, सैलरी दी जाती है, सैलरी टाइम पर नहीं दी जाती यहाँ पे, ठीक है, आपने कहा कि यार इस कंपनी में अच्छी सैलरी दी जाती है, तो ये सारे सेंटेंसेस क्या है पैसिव वॉइस में। इन सेंटेंस को आप हिंदी में लिख लें और फिर से इंग्लिश में जरूर ट्रांसलेट करें, ठीक है। आपको कुछ भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, एंड लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।